जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और आज मैं आपको एक खास बात बताने वाली हूँ। आप लोग देख लीजिए मेरे ठाकुर जी का भी कलर कैसे है, ये देखिए। आज मैं इनको गोपी चंदन से स्नान करके बताऊंगी आप लोगों को कि गोपी चंदन से स्नान कराने पे हमारे ठाकुर जी का कलर एकदम अच्छा शाइन हो जाता है, एकदम हमारे ठाकुर जी चमकते हैं और किसी चीज़ से इनको घिसने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख लीजिए, अभी मैं इनको स्नान कराने जा रही हूँ। थोड़ी सर्दी भी है इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है और मैं आपको गोपी चंदन दिखा देती हूँ, कौन सा गोपी चंदन मैं यूज करती हूँ। ये देखिए, ये है गोपी चंदन, ये हमें इस्कॉन मंदिर में मिलता है। ये देख लीजिए, इसकी प्राइस है कुछ 25 से 30 रुपए में आ जाता है, 30 रुपए की। ये देखिए, आप आपको प्राइस दिख रहा है बराबर, मैं जूम कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए, इसकी प्राइस है 30 रुपए। ये हमें इस्कॉन मंदिर में आसानी से मिल जाता है, इसे हमारे ठाकुर जी स्नान करते हैं। मेरे पास पुराना है लेकिन मैं ये नया आप लोगों को खोल के दिखाने के लिए, ये देखिए इसकी पैकिंग देख लीजिए, अंदर से बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है और मैं ठाकुर जी को हरदम इसी से स्नान कराती हूँ। अभ्यंग पाउडर मैं कम ही यूज करती हूँ, आप लोग भी अपने ठाकुर जी को इसी से स्नान कराइए, उनकी साइन बिल्कुल नए ठाकुर जी के जैसे रहती है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है इसलिए हम इसको आराम से, और ये कहीं भी मिल जाता है हमें। ये देखिए, मैंने ठाकुर जी को अच्छे से गोपी चंदन लगा दिया है पूरे शरीर में, और मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इनको ऐसे ऐसे मल देना है हल्के हाथों से। फिर हमारे ठाकुर जी अच्छे से साइन करने लगेंगे, आप लोग देख सकते हैं मैंने इनके पूरे शरीर पे, ये देखिए, गोपी चंदन अच्छे से लगा दिया है। अभी मैं इनके ऊपर पानी डाल के इनको स्नान कराऊंगी, फिर आप लोग मेरे ठाकुर जी की साइन देखिएगा कि मेरे लल्ला कितने अच्छे से चमकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 6-7 दिन से इनको गोपी चंदन नहीं लगाई थी, मैं सोची एक बार आप लोगों को फ़र्क दिखा दूँ, सब बोलते नहीं साफ होते हैं ठाकुर जी, इसीलिए मैंने 6-7 दिन से इनको ऐसे ही रखा था, बस पानी से स्नान करा रही थी, नहीं तो मैं 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में गोपी चंदन से इनको स्नान करवा देती हूँ, तो फिर मेरे ठाकुर जी एकदम चमकते रहते हैं। ये देखिए, मैं इनको पानी से स्नान करा देती हूँ क्योंकि ठंडी लग रही है, मैं ज़्यादा देर तक इनको ऐसे नहीं रख पाऊंगी। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते। अभी आप मेरे ठाकुर जी को देख सकते हैं, इन्होंने स्नान कर लिया, ये देखिए, अभी इनकी साइन आप देखिए, ये देखिए मेरे लल्ला कितने अच्छे से चमक रहे हैं। ये देखिए, आपने पहले देखा था, अभी का फोटो देख लीजिए इनका, अभी का वीडियो देखिए, अभी देख मेरे लल्ला का दर्शन करिए, कितने अच्छे से ये शाइन कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी। अब आज मैं इनके लिए नई नई पोशाक बनाई हूँ, वो पहनाऊंगी। ये देखिए, क्योंकि ठंडी है और नई पोशाक इनको पहनने का मन था, धागा एक रह गया है। देखिए, ये देखिए, मैंने इनकी चोली पहना दी है, अब मैं इनका लहंगा पहनाऊंगी, आप लोग देख लीजिए। ये रहा हमारे ठाकुर जी का वेलवेट का लहंगा,
देखिए मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बना दिया है, डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये ड्रेस मैंने कैसे बनाई है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये ड्रेस तैयार किया है ठंडी के लिए आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये ड्रेस देख के आप आसानी से सीख जाएंगे। मैंने फुल वीडियो भी और डाला है, ये देखिए। आप लोग मेरे लल्ला को राधे राधे नहीं बोल रहे हो इसीलिए मेरा लल्ला कैमरे में देख ही नहीं रहा है। ये देखिए, नहीं देख रहे कान्हा जी मेरे आज कैमरे में, पता नहीं क्यों। देखिए आप, और अब मैं इनका ज्वेलरी निकाल लेती हूँ और वो पहना देती हूँ। सबसे पहले मैं इनका ये वैजयंती का माला पहना दूँ, उसके बाद मैं सब इनको पहनाऊँ। कितना भी करिए वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है। ये देखिए मैंने इनको ये बड़ा नेकलेस पहना दिया है। अब मैं अपने लल्ला को केस लगा देती हूँ। ये देखिए, आज इनका नखरा ही अलग हो गया भाई। आज मेरे लल्ला कैमरे में नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, नहीं बोलोगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं इतना पास में कैमरा कर दी हूँ फिर भी लल्ला कैमरे की साइड नहीं देख रहे हैं, आज ये नाराज हैं। आप लोग राधे राधे बोल दिया करिए। मैं इनको बिंदी लगा दूं फिर। अभी मैं इनकी कैप आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये कैप पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। थोड़ी सी बड़ी हो गई है, चलेगी। ये मेरे देख लीजिए लल्ला को, लल्ला एक बार दिखा तो दो अपने आपको। राधे राधे तो बोल दो सबको, ऐसे नाराज नहीं होते जो, ऐसे नहीं नाराज होते। अब मैं लाडो को रेडी करूँगी। लाडो मेरे स्नान करके बैठी हैं। मैं लाडो का स्नान तो आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ। हाँ, इनका श्रृंगार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग इनका श्रृंगार देखिए। ये देखिए मैंने लाडो को लहंगा पहना दिया है। अब मैं इनकी चूड़ी पहना दूँ पहले, क्योंकि हाथ खाली अच्छे नहीं लगते मुझे लाडो के। उसके बाद फिर इनका मेन चीज है
एक छोटा नेकलेस पहना दूँ इनको। कुछ अलग नेकलेस साथ में पहनाते हैं, ये नेकलेस थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। आप लोग देखिए मेरे लाडो ने आज ये नेकलेस पहना है, अभी इस पे ये बड़ा वाला। माला ये देखिए, और सबसे पहले लाडो को मैं बिंदी लगा दूं। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। मैं लाडू का केस लगा दूँ, सेट करके अच्छे से आपको दिखाती हूँ। अभी मैं लाडू को ये देखे, मैंने इनका विग और माथा पट्टी सेट कर दिया है। अब मैं इनके कान में पहना देती हूँ एक इयररिंग, ये देखिए। अभी आप लोग बताना मैं लाडू का सिंगार कैसा कर रही हूँ या कैसा है इनका सिंगार, इनकी ड्रेस कैसी है, क्योंकि बहुत सी ही नॉर्मल सी ड्रेस बनी है, बहुत ही सिंपल। आप लोग भी ऐसी ड्रेस बना के अपने ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अगर आप पहनाते हैं तो अच्छी बात है, बनाते हैं तो, और नहीं बनाते हैं तो आप इसको बना सकते हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ये ड्रेस की दूसरी ड्रेस बना के फिर से वापस वीडियो डालूंगी। ये देखिए उनकी ओढ़नी, ये देखिए, क्योंकि भाई लाडो तो लाडो हैं, इनके मेकअप पे इनको कैप तो कुछ अलग ही फिर ड्रेस चाहिए कैप लगाने के लिए। ये देखिए लाडो का सिंगार आप लोग देख लीजिए। ये देखिए मेरे छोटे लल्ला भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए इनकी कैप देख लीजिए, सुंदर लग रही है इनकी कैप, मैंने इनको विग नहीं लगाया है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी का, हमारे लाडो का, हमारे केशव का श्रृंगार हो चुका है। कैसे लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है, और आप लोग भी इनका ये ड्रेस जो मैंने बनाई है आप लोग भी सीख सकते हैं आसानी से और अपने ठाकुर जी को पहना सकते हैं। ये ड्रेस देखने में हैवी लग रहा है लेकिन हैवी नहीं है, और मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली। अगर आपको ज़रूरत हो, आपको ऐसी ड्रेस बनानी सीखनी है, तो मैं इसकी बड़ी वीडियो भी डाल दूँगी। अब मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है, इनको बैठा दिया है। अब मेरी थोड़ी बहुत कुछ मंदिर का मेरे पूजा पाठ कुछ बाकी है, वो सब मैं करूँगी। आप लोग इनका दर्शन कर लीजिए, मैंने इनका सुबह का बाल भोग भी रेडी करके रख दिया था, वो भी इनको मैंने लगा दिया है। अभी जो भी काम है वो मेरा है, मैं आराम से धीरे धीरे करती रहूँगी पूरे दिन। आप मेरे मंदिर का पूरा व्यू देख लीजिए, ये ऊपर मेरे गुरु जी हैं। गुरुदेव भगवान की जय, हमारी माता जी ये लक्ष्मी गणेश सरस्वती, ये भोलेनाथ है हमारी गैया माता। ये हमारी मंदिर बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी मंदिर है, उसी में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। इनकी जितनी इच्छा थी उतनी बड़ी मंदिर हो गई, आगे जैसा ये चाहेंगे वैसा होगा। आप सब देखिए इनका दर्शन कर लीजिए,
आप लोगों को मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आगे वीडियो में।